आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में बात करेंगे चार इम्पोर्टेंट अपडेट, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कनाडा से, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। चार अपडेट कौन सी है मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ठीक है जी, आपके लिए आसानी होगी वीडियो देखना। सबसे पहले तो बात करेंगे बैकलॉग के मुद्दे के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जुलाई से कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम रिफॉर्म होने वाला है, एक नया सिस्टम आने वाला है, ठीक है जी, उसका क्या बेनिफिट होगा उस चीज के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जी बायोमेट्रिक और पासपोर्ट स्टैंपिंग को लेकर कनाडा हाई कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है, सख्त इंस्ट्रक्शन हम उस चीज को कह सकते हैं। थर्ड अपडेट है कनाडा स्टूडेंट वीजा के बारे में, ठीक है जी, कनाडा स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट की कंबाइन अपडेट है कि कितने वर्क परमिट इश्यू होंगे आने वाले दिनों में, बिकॉज टेम्परेरी फॉर्मर वर्कर बहुत वेट कर रहे हैं इस चीज की। उसके बाद बात करेंगे कनाडा पीआर की अपडेट्स के बारे में, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में कुछ अपडेट, या न्यू ब्रंसविक की जो पीएनपी के ऊपर टेम्परेरी पॉज लगा है उस चीज के बारे में, तो वीडियो बहुत खास होने वाली है। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा एसओपी में हेल्प चाहिए, हमारा नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बैकलॉग, कोविड से पहले बैकलॉग वर्ड किसी ने नहीं सुना था, ठीक है जी, कनाडा इमिग्रेशन में एप्लीकेशन ज्यादा आई, ठीक है, उसके कारण बैकलॉग क्रिएट हुआ और लोगों को रिजल्ट मिलने में दिक्कत होने लगी, रिजल्ट डिले बहुत है। बट कनाडा जुलाई से एक्सप्रेस एंट्री को वापस इंट्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आप सभी को पता है कि एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उसको री इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो ऐसे में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने यह चीज कही थी कि एक्सप्रेस एंट्री तब तक री इंट्रोड्यूस हम नहीं करेंगे जब तक बैकलॉग है, जो कुछ हद तक की काफी ज्यादा 70-80% हम हल नहीं कर लेते। तो जुलाई से कह सकते हैं कि कनाडा इमिग्रेशन का बैकलॉग काफी ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि उस चीज का एक एग्जांपल हमें इन दिनों में भी मिल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट की एप्लीकेशन है, उनके रिजल्ट काफी आ रहे हैं, विजिटर के रिजल्ट काफी आ रहे हैं, ठीक है जी, वर्क परमिट, स्पेशली ओपन वर्क परमिट की कितनी रुकी हुई एप्लीकेशन थी, जो मैंने कहा था कि मई में रिजल्ट अच्छे आएंगे जून में, तो बैकलॉग जुलाई और अगस्त में कुछ हद तक टैकल कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अगर एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करना है देन डेफिनेटली उनको जो बैकलॉग है वो रिड्यूस ही करना पड़ेगा। दूसरा, कनाडा ने जुलाई से सितंबर तक जो रोड मैप तय किया है कि 5 लाख प्लस वीजा उन्होंने इशू करने हैं, तभी वो उनके ऊपर फोकस कर पाएंगे अगर पुराना बैकलॉग है जो क्लियर होगा। उसके बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग और बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड से पहले क्या होता था कि अगर आपका बायोमेट्रिक लेटर एक्सपायर हो जाता था, अगर आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर एक्सपायर हो जाता था, तब भी आप स्टैंपिंग करवा सकते थे। बट अब कनाडा हाई कमीशन ने वैक्स सेंटर वालों को एक सख्त हदायत दे दी है कि अब अगर किसी का बायोमेट्रिक लेटर एक्सपायर हो जाता है, अगर किसी की पासपोर्ट रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाती है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर फर्दर जो काम है वो नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सभी को एक चीज के लिए अवेयर करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होती है, अगर आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, कोशिश कीजिए अपने एजेंट के साथ या खुद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को लीड कर रहे हो तो डेली बेसिस के ऊपर उसकी अपडेट चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपडेशन तब पता लगती है जब हमारी जो एप्लीकेशन है उसका रिजल्ट आ जाता है और 10-15 दिन हो जाते हैं यूजली, या एक वीक चला जाता है, कई बार 2-way कुरियर में एड्रेस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तब प्रॉब्लम आती है। जब बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर यूजली तो आ जाता है, लेकिन हमें 4-5 दिन 7 दिन बाद बताया जाता है, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, 5-7 दिन के गैप पर वो मिलती है। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज भी कनाडा ने इसीलिए की है कि टाइम वेस्ट मत हो, हर एक बंदे को टाइम की प्रायोरिटी का पता चले और बैकलॉग के साथ वो अच्छे तरीके से जो है डील कर सके। कनाडा स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट हमेशा हॉट टॉपिक होता है, जैसे हम डिस्कस करते हैं। वर्क परमिट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो अपडेट कौन सी है, फर्स्ट क्वार्टर में कनाडा की जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, लिटिल बिट स्लो रही, वर्क परमिट वाले काफी निराश रहे, बट सेकंड क्वार्टर में अप्रैल में, मई में, ठीक है, जून में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वर्क परमिट के। जुलाई से लेकर सितंबर तक कनाडा 1 लाख प्लस वर्क परमिट इशू करेगा, ठीक है जी, हर मंथ 30,000 प्लस लोगों को वर्क परमिट मिलेगा। उनमें कौन कौन सी कैटेगरी से इंक्लूड है मैं बता देता हूं, ओपन वर्क परमिट वाले हैं, क्लोज वर्क परमिट वाले हैं, ठीक है जी,
जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है कनाडा में वो लोग भी हैं, तो तीन चार जो मिक्स कैटेगरीज हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट है कि आपको एक आसानी हो जाएगी अगर आपको फिगर मिल जाए ना कि इतने लोगों को चीज इश्यू करनी है, तो बंदा उस हिसाब से अपनी जो चीज है वो प्लान कर लेता है। तो जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर तक ठीक है जी, रिलैक्सेशन है आप सभी के लिए। जिनकी पुरानी एप्लीकेशन है उनके लिए तो डेफिनेटली रिलैक्सेशन है, क्योंकि बैकलॉग के लिए कनाडा बहुत ही फुल मूव ऑफ एक्शन में और बहुत ही अच्छे तरीके से कनाडा बैकलॉग के लिए वर्क कर रहा है। टीआर टू पीआर के बारे में काफी ज्यादा लोग पूछते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या चल रहा है, बट वर्क परमिट वालों के लिए अच्छी अपडेट है। कनाडा स्टडी परमिट के रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा, बहुत ही अच्छी स्पीड से आ रहे हैं रिजल्ट, दो टाइम फ्रेम में आ रहे हैं जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कुछ एप्लीकेशन तो बैकलॉग के 20-30% एप्लीकेशन और 70-80% जो सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे मार्च की एप्लीकेशन के रिजल्ट आ रहे हैं। कोई भी बंदा जिसने एप्लीकेशन लगाई है, मैं उसको एक चीज कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट 40-45 days आप वेट कीजिए अपने रिजल्ट का, उसके बाद थोड़ी सी वरी करने की जरूरत है। बट नॉर्मल टाइम फ्रेम, कनाडा भी आपसे 90 days मांग रही है, बट अपने जो आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ वाले स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी टाइमलाइन भी चेक कीजिए कि इतने समय में उनका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपको भी वरी करने की जरूरत नहीं है जो नहीं एप्लीकेशन लगी, पुरानी में वर्क हो रहा है, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर आप यूट्यूब पर कितनी वीडियोस देखते हैं या जिनमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जहां जितने भी बच्चे हैं वो टाइमलाइन शेयर करते कि दूसरों को मोटिवेशन मिल सके। पीटी के ऊपर सक्सेस रेट अच्छा है, नो डाउट, बट अगर आपके एकेडेमिक्स अच्छे हैं, इन दिनों पीटी के ऊपर वीजा की स्पीड भी अच्छी हुई है, नो डाउट, तो अगर आने वाले दिनों में सितंबर में आपने पीटी के ऊपर अप्लाई करना है तो एक एडवाइस जरूर दूंगा, एकेडेमिक अच्छे हैं, पीटी 57 या 60 के करीब है, देन आप जो चांस है वो ले सकते। लास्ट में बात करूंगा कनाडा एक्सप्रेस एंट्री, हमेशा हॉट टॉपिक बना रहा है जब से 2020 से ड्रॉ स्टॉप हुए हैं, ठीक है, जहां कनाडा ने अनाउंसमेंट किया अप्रैल में कि दैट एक्सप्रेस एंट्री रीइंट्रोड्यूस होगा। बहुत सारे लोग जो एक होप छोड़ चुके थे कनाडा पीआर की, तो उनके लिए अच्छी अपडेट है। दो तीन चीजें डिस्कस करनी है यहां पर मैंने आपके साथ। सबसे पहली है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ड्रॉ का साइज कैसा होगा, कि क्या कनाडा एक बड़ा ड्रॉ इंट्रोड्यूस करेगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि कनाडा कैसे वर्क करता है, बट यूजली जो मुझे लगता है कि ड्रॉ का साइज पहले ही रहेगा, जैसे नियर अबाउट 3000 से लेकर आई थिंक 4500 के बीच बीच लोगों को इनविटेशन दी जाती थी, ठीक है जी। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का बैकलॉग काफी हद तक कम हुआ है, अप्रैल में कुछ उनके ऊपर वर्क कम हुआ है, लेकिन ज्यादातर FSW की जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर भी कंटिन्यूसली वर्क चल रहा है। देखिए स्टार्टिंग के जो 1-2 months होंगे उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे आप नए एप्लीकेंट एंट्री करने वाले हो एक्सप्रेस एंट्री में, जहां आप करंट एप्लीकेंट हो पुराने एप्लीकेंट हो, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई चीज टाइम लेके चलती है, जैसे कनाडा की फ्लाइट ही थी, ठीक है, जहां कनाडा ने वर्क परमिट या स्टूडेंट वीजा के लिए बायोमेट्रिक रीओपन की थी या पासपोर्ट स्टैंपिंग रीओपन की थी, तो 1-2 months सिस्टम को समझने को टाइम लगता है। डेफिनेटली कंपटीशन भी होगा, चीजें टफ भी होगी, बट जब 1-2 months चीजें चलेंगी तो हमें भी एक फिगर आउट करना आसान हो जाएगा, आपको भी फिगर आउट करना आसान हो जाएगा कि दैट इस लेवल के ऊपर कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में वर्क कर रहे हैं। न्यू ब्रंसविक की पीएनपी के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टूडेंट वहां पर ठीक है स्टडी करते हैं, वर्क परमिट का एक्सपीरियंस भी उनके पास, वहां पर उन्होंने टेम्परेरी पॉज लगाया है, परमानेंट पॉज नहीं लगाया। मुझे लगता है ये सभी चीजें इसीलिए हो रही है कि कनाडा फुल मूड ऑफ एक्शन पे एक्सप्रेस एंट्री के लिए अपनी जो तैयारी है वो कर रहा है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा SOP में चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।